राधे राधे मेरे दोस्तों और भाइयों को, और वेलकम है आपके अपने प्यार से चैनल टैग जीजी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो। इसमें कि क्या करने वाला हूँ कि मैं जो मेरा जो ये इन्फिनिक्स का हॉट एट है, तो मैं इसमें कार्बन फाइबर की जो रैप चढ़ाने वाला हूँ, एंड आपको एक एक डिटेल्स बताऊंगा कैसे आप बिल्कुल ही मक्खन की तरह जो है अपने मोबाइल या किसी भी और चीज़ पर रैप चढ़ा सकते हो किसी भी तरीके की। एंड देन आप उसके बाद मैं आपको 5 बेनिफिट्स बताऊंगा रैप चढ़ाने की, यानी कि जो हम इसके ऊपर फिल्म चढ़ाएंगे उसके 5 जो है बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे भाइयों, पूरी वीडियो को जो है एंड तक वॉच करना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और नीचे रेड कलर का बटन है उसे भी दबा देना अगर ज्यादा ही अच्छी लगी वीडियो तो। तो चलो फिर बिना किसी देरी के मैं जो वीडियो है उसे चढ़ाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगी हमें रैप। तो देखो दोस्तों, मैंने कुछ ये जो है रैप ऑर्डर करी है अमेजोन से, लगभग 200 रुपए की है ये, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। आपको यही रैप खरीदनी है क्योंकि इसका मैंने अच्छे से रिव्यू किया हुआ है एंड जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया। तो बिना किसी देरी के मैं पहले आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एक रोल टाइप में ये आता है, सारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ऐसे पेपर वाले वो ऐसी रोल में आते हैं। एंड देन इसके अंदर आपको जो है हमारा जो रैप है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो ये रैप है, एंड इसके अंदर आपको 2 पेपर्स लगते हैं एंड अब ये खाली हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 2 कागज मिलते हैं, एक तो जो है इसका बिल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन का .in का बिल है, एंड दूसरे जो इसके लगाने के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो देखो दोस्तों, मैंने जो है ये रैप पहले कुछ यूज़ करी है अपने एक फ़ोन कवर पे, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ से काट दिया। एंड दोस्तों ये है 24x12 इंचेस की, तो आप ये देख सकते हो बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी है, लिटरली बहुत लंबी है, ये देख सकते हो इतनी लंबी आपको कोई और नहीं देगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी कई चीज़ ऐसी बाय करी है रैप, तो इतनी लंबी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रैप को लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल मतलब ज़रूरी होती है। सबसे पहले आपको एक इस तरीके का नाइफ चाहिए, अगर ये नहीं हो तो आपके पास जो सिंपल जो कार्डबोर्ड कटर होता है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस काटने वाला औजार होना चाहिए। एंड देन बस आपके फ़ोन को साफ करने के लिए एक कॉलिन वगैरह अगर घर में पड़ा हो तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पानी से भी आप अपने फ़ोन को बैक को साफ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको चाहिए एक हेयर ड्रायर। तो दोस्तों हेयर ड्रायर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी से जो हम इसके जो ग्लू है उसको एक्टिवेट करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है। अगर आपके पास नहीं है तो पड़ोसी से मांग लीजिए या फिर अपनी बहन से मांग लीजिए, लेकिन ये तो चाहिए। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो हमारे फोन की बैक साइड होती है उसमें देख सकते हो आप यहाँ पे कितने सारे फिंगरप्रिंट्स एंड मिट्टी जमी हुई है, तो हमें इसको साफ करना पड़ेगा। इसी से ही जो हमारे विनाइल रिपर लंबे टाइम तक जो है बची रहेगी, इसके ऊपर चिपकी रहेगी अच्छी तरीके से। तो उसके लिए आपको कॉलिन या किसी भी पानी से आप इसको साफ कर लेना, बस जब भी कभी कोई रैप लेते हो तो उसके पीछे ऐसी कुछ मार्किंग्स होती हैं, तो ये मार्किंग्स हमें दिखाती हैं कि कौन सी डायरेक्शन और कितने इंचेस में हमें काटना चाहिए अच्छे से। तो इसी हिसाब से आप अपने फ़ोन को ऐसे प्लेस करना है, एंड देन बस एक मार्कर या पेन ले लेना जिससे कि आप इसको कटआउट कर सको, ठीक है। तो मैं जल्दी से अब इसे काट लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है ये इतना सा जो है इसका काट लिया है अपने फ़ोन से। आपको थोड़ा सा बड़ा ही काटना है जिससे कि जब हम इसे एजेस पे ले जाएं तो हमें इस जो विनाइल रैप है इसकी कमी ना पड़े, एंड जब हम इसे खींचे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा बचा हुआ है, तो इसको आप अपने लैपटॉप या किसी और चीज़ पर यूज़ कर सकते हो सिंपली। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक कपड़ा बिछा लेना जिससे कि आपकी डिस्प्ले पर कोई स्क्रैचेस ना आए सिंपली, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे आप देखिए अपने फोन को रखिए उल्टा कैमरे की तरफ, जो है वो नीचे होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़े से बम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है काफी सारे जो है एयर बबल्स बन जाते हैं इस विनाइल के अंदर। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से अपने एक कोने से जो है इसको निकालना है इस टाइप से कुछ एक कोने से आपको निकालना है, एंड देन आपको कर देना है अपने इस फोन के ऊपर। एंड देन बस यहाँ पे आपको थंब से ऐसे प्रेस करते रहना है जिससे कि जितने भी एयर बबल्स हो वो इसमें से जो है निकल जाए, एंड आपका जो विनाइल रैप है बिल्कुल बढ़िया एंड गजब का लगे। एंड अब आपको क्या करना है, नीचे एक ऐसे अंगूठा रखना है, एंड देन इसको पुल अप करते जाना है, एंड ऊपर से दूसरे अंगूठे से इसको ऐसे दबाते जाना है कुछ लाइक डैट इस तरीके से, ठीक है। तो मैं जल्दी से आप देख सकते हो उसके बाद आपका जो है कुछ ऐसा लगेगा, एंड जहाँ कैमरा होगा वहाँ पे आप ऐसे देखना है, यहाँ पे
थोड़े से जो है लम्स बन रहे होंगे, तो इसको निकालने के लिए ही हमें हेयर ड्रायर चाहिए। आप लोगों को दिखा नहीं पाया कि कैसे जो है ये वाले जो काम आपको करने हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी एक ही स्विच अवेलेबल है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लाइट्स का स्विच निकालने पड़ गए थे, इसकी वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था एंड मैं नहीं दिखा पाया, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको ऐसे कर्व्स दिखाई दे वहाँ पे आपको जो आपका हेयर ड्रायर है उसको हीट करना है, एंड देन हाई सेटिंग्स की हीट पे रख के दूर से थोड़ा ऐसे ऐसे उंगलियों से दबाते जाना है, एंड देन इसको खींचते जाना है, तो आपको कुछ ऐसी शेप मिल जाएगी एंड यहाँ पे बिना किसी लम्स के आपको एकदम बढ़िया जो है आपका जो है एकदम कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस टाइप से करना है, फोकस नहीं हो रहा था उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कितनी आसानी तरीके से, कितनी आसानी स्टेप्स से जो आप अपने फ़ोन पे ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से विनाइल रैप लगा सकते हो। एंड देन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप कभी भी ये ऐसे कटआउट्स काटो अच्छी तरीके से जो है इसको लगा लोगे, तो आपको क्या करना है एक बार पूरे इस पर अच्छी तरीके से जो है हेयर ड्रायर की हीट मार देनी है, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी जो है सिलवट यहाँ पे नहीं रही है, देख सकते हो आप यहाँ पे बिल्कुल ही जो है एकदम अच्छी तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा ये उखड़ गया, मेरे से गलती से ब्लेड लग गया था, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं से भी कोई भी चीज़ जो है अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो नीचे लाइक शेयर कमेंट कर देना, और नीचे एक ऐसा बिल्कुल ऐसा ही रेड कलर का बटन है उसे दबा दो इस चैनल को और भी ज़्यादा मस्त वीडियोस को देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में घंटा आएगा उसको ऑल पे करके छोड़ देना, बाकी मेरी टेंशन है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।